हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभेंद गुप्ता, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा कीवर्ड इंसर्शन के बारे में। तो अभी चलते हैं सीधे गूगल एड्स अकाउंट पे और ज्यादा जानते हैं कीवर्ड इंसर्शन के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों की जैसा कि आपको पता ही है, जो मोस्ट कॉमन ऐड होता है गूगल एड्स पे वो सर्च ऐड होता है, या फिर हम उसको टेक्स्ट ऐड भी कहते हैं, जिसमें हमारे एड्स अपीयर होते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। तो सर्च ऐड में काफी सारी सुविधाएं हैं जो गूगल एड्स हमें प्रोवाइड करता है, काफी सारी यूजेबिलिटी हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो उसमें एक यूजेबिलिटी ये भी है कि हम ज्यादा पर्सनलाइज्ड ऐड कैसे दिखा सकते हैं किसी भी यूजर को। मान लीजिए आपने जो ऐड बनाया है, अगर उसमें कोई कीवर्ड रिप्लेस हो सकता है उस क्वेरी से जो किसी यूजर ने सर्च इंजन में लिखी है, और वो उस एड को जब देखता है तो उसको ज्यादा पर्सनलाइज फील हो सकता है। तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं गूगल एड्स में, आज उसी की बात करेंगे। उसको बोलते हैं कीवर्ड इंसर्शन। मैं आया हूँ सीधे क्रिएट्स एड सेक्शन में। जहाँ हम एड बनाते हैं वहां पे हम ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप हेडलाइन में भी वही कीवर्ड ले सकते हैं और आप डिस्क्रिप्शन में भी वही कीवर्ड ले सकते हैं जो यूजर लिखेगा गूगल सर्च इंजन पे, और उस पर्टिकुलर कीवर्ड को आप अपने एड ग्रुप में भी शामिल करते हैं। अभी मैं जो आपको एग्जांपल दूंगा उसमें मैं शुरुआत कर रहा हूँ एड ग्रुप से। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कीवर्ड्स इन एड ग्रुप, एक एड ग्रुप मैंने बना रखा है और उसमें मेरे पास तीन कीवर्ड है, डिजिटल कैमरा ऑनलाइन, DSLR कैमरा, बेस्ट पॉइंट एंड शूट कैमरा इन 2020। इन तीन कीवर्ड्स को मैंने अपने एड ग्रुप में ले रखा है। अगर कोई भी व्यक्ति कैमरा से रिलेटेड क्वेरी सर्च करता है और वो सर्च करता है डिजिटल कैमरा ऑनलाइन, तो जो मेरा एड है उसकी हेडलाइन में डिजिटल कैमरा ऑनलाइन अगर वर्ड आ जाता है तो उसको ज्यादा पर्सनलाइज फील होगा। ये एक साइकोग्राफ से रिलेटेड बात है कि यूजर की साइकोलॉजी को टच करने वाली बात है ये। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम हेडलाइन की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय, मेरा ई कॉमर्स स्टोर है और मैं ऑनलाइन कैमरा सेल कर रहा हूँ। और आपको इसमें एक सिंटैक्स प्रोवाइड कराना पड़ता है, या मैं ये कह सकता हूँ एक छोटा सा कोड होता है, तो उसके लिए आप एंटर कर लें कर्ली ब्रेसेस। तो आपके सामने यहाँ तीन ऑप्शन है, कीवर्ड इंसर्शन, काउंटडाउन और इफ फंक्शन। आज बात कर रहे हैं हम कीवर्ड इंसर्शन के बारे में। तो यहाँ पे कीवर्ड इंसर्शन मैं कर सकता हूँ, यानी मुझे कोई कीवर्ड यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो डिफॉल्ट टेक्स्ट मैंने लिया है कैमरा। क्यों लिया है मैंने कैमरा? अगर आप यहाँ पे जो कीवर्ड्स मैंने ले रखे हैं अपने एड ग्रुप में उनमें कैमरा है, सब जगह आपको कैमरा वर्ड दिखेगा, इसलिए मैंने लिया है कैमरा। अब इसमें आपके पास तीन तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टाइटल केस। टाइटल केस का मतलब क्या होता है, ये जो कीवर्ड वर्ड लिखा आ रहा है ये देखेंगे आप चेंज होगा। टाइटल केस में आप देख सकते हैं के और डब्ल्यू कैपिटल है। सेंटेंस केस में आप देख सकते हैं ये जो केवल के वर्ड है या के कैरेक्टर है वो कैपिटलाइज है, और लोअर केस में ये सारे ही लोअर केस में है। तो मैं यूज कर रहा हूँ टाइटल केस और मैंने वर्ड यूज किया कैमरा और अप्लाई। तो आप यहाँ पे एड देख सकते हैं, ये लिखा है बाई कैमरा। अगर कोई भी व्यक्ति अब सर्च करता है क्वेरी डिजिटल कैमरा ऑनलाइन, तो गूगल पूरी कोशिश करेगा कि वो जो कैमरा वर्ड है उसको डिजिटल कैमरा ऑनलाइन से रिप्लेस करने की, क्योंकि ये जो कीवर्ड है वो मेरे एड ग्रुप में पहले से शामिल है। अगर मान लीजिए वो क्वेरी लिखता है DSLR कैमरा, तो गूगल एड्स पूरी कोशिश करेगा कि वो कैमरा वर्ड है उसको रिप्लेस कर दे DSLR कैमरा से। तीसरी चीज है बेस्ट पॉइंट एंड शूट कैमरा इन 2020। ये कीवर्ड तो बहुत बड़ा है और इससे रिलेटेड कैमरा केवल वर्ड है, लेकिन उसके आगे और उसके पीछे भी जो वर्ड है वो रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो ये रेंज से बाहर की बात है। तो वहां पे जो डिफॉल्ट वर्ड दिखेगा हेडलाइन में वो दिखेगा कैमरा, यानी डिजिटल कैमरा ऑनलाइन अगर कोई लिखता है तो उसके लिए डिजिटल कैमरा हेडलाइन में दिख सकता है। अगर कोई DSLR कैमरा सर्च करता है तो उसको DSLR कैमरा दिखेगा, और अगर कोई सर्च करता है बेस्ट पॉइंट एंड शूट कैमरा इन 2020 तो उसको जो हेडलाइन में कीवर्ड दिखेगा वो केवल कैमरा दिखेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप ये बात समझ गए होंगे, बहुत ही इजी है और आपको प्रैक्टिकली भी डेमोंस्ट्रेट कर देता हूँ इस चीज को। जैसे यहाँ पे मैंने फंक्शन लगा रखा है कीवर्ड कैमरा, अगर कोई भी व्यक्ति सर्च करता है सबसे पहली जो क्वेरी थी वो थी डिजिटल कैमरा ऑनलाइन, और उसने यहाँ पे सर्च करा डिजिटल कैमरा ऑनलाइन, तो इसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा बाय डिजिटल कैमरा। अगर कोई सर्च करता है DSLR कैमरा तो उसको क्या दिखेगा, यहाँ पे DSLR कैमरा। तो इस तरीके से ऐड ज्यादा पर्सनलाइज हो सकता है।
आप इसको हेडलाइन 1, 2, 3 सब में यूज कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल है। जैसे हेडलाइन 3 में मैं आपको एग्जांपल दूं, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे आप, कीवर्ड इंसर्ट कर सकते हैं आप, और जो डिफॉल्ट टेक्स्ट था वो मैंने लिया था कैमरा। आप डिफॉल्ट टेक्स्ट ऐसा लें कि वो किसी पे भी फिट हो जाए, अगर गूगल को समझ में ना आए, अगर वो उसको रिप्लेस ना कर पाए, तो कोई ऐसा वर्ड वहां पे आए जो अच्छा हो और आपके एड पे यूजर क्लिक करे, आप कोई गलत वर्ड इसमें ना लें। और सेम चीज आप डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में वो वर्ड आए जो यूजर ने टाइप किया है सर्च इंजन में, तो आप वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे बाई और कर्ली ब्रेसेस आप लगाएंगे तो आप यहाँ पे भी कीवर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। और सेंटेंस केस ये बाय डिफॉल्ट आता है, आप लोअर केस भी ले सकते हैं, क्योंकि हेडलाइन तो छोटी होती है लेकिन डिस्क्रिप्शन 90 कैरेक्टर्स का होता है, तो आप उसके हिसाब से चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल पे आपका एड ऐसे दिखेगा और डेस्कटॉप पे आपका एड ऐसे दिखेगा बाय डीएसएलआर कैमरा, क्योंकि मैंने डीएसएलआर कैमरा के लिए ही आपको बताया है। अगर तीसरी क्वेरी के बारे में बात करें, ज्योति बेस्ट पॉइंट एंड शूट कैमरा इन 2020, तो इसको मैं कॉपी करता हूं और मैं आपको प्रैक्टिकली शो कर देता हूं। तो अगर आप इसको देखें तो ये बियॉन्ड द लिमिट जा रहा है, जैसा कि मैंने बताया था ये 39 कैरेक्टर का हो रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं दिखे केवल क्या दिखेगा बाई कैमरा, सी कैपिटल बना देता हूं, उसको हेडिंग दिखेगी बाई कैमरा, सिंपली यही हेडलाइन उसको दिखेगी। तो इस तरीके से आप कीवर्ड इंसर्ट कर सकते हैं एड लेवल पे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके एड ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो, आपके सर्च एड ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा बिजनेस सर्च एड पे ही ध्यान देते हैं शुरू शुरू में, जब उनको वेबसाइट पे ट्रैफिक ग्रो करना होता है, तो सर्च एड में काफी सारी यूजेबिलिटी है। और दोस्तों अगला जो मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा वो काउंटडाउन ऑप्शन को लेके होगा। इसी के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूं। आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कीवर्ड इंसर्शन के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.learntounleft.com/contactus.php पे। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।